हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे चल रहा होगा। तो आज के जो सेशंस है वो भी एमसीक्यू बेस्ड है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। अगर मेरे चैनल में कोई नए है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी को पता है एग्जाम्स का डेट आ चुका है। अभी आप लोग जितना हो सके ना एमसीक्यू सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जितना मॉक टेस्ट आप दे सकते हो उतना दो। ठीक है, उसी में से आप लोगों को क्या हो जाएगा, जो आप लोगों का रह गया पार्ट वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और लास्ट एंड मोमेंट में 1 महीना में आप लोगों का जो करंट अफेयर्स है उसको एकदम खत्म, A to Z पूरा खत्म कर दो। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा और सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार का जो क्वेश्चंस का लेवल होने वाला है ना, बहुत ही मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशंस करो और जो भी आपका बेसिक है, जो भी आपका जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखो। ठीक है, उसको शार्प रख कर बाकी जितना आप कर सकते हो कर लो। बस 2 महीना है आप लोगों के पास, इतना मेहनत कर लो। ठीक है, तो इसके लिए आपके जो आज के जो सेशंस है उसके लिए एक मोटिवेशन रखा है, मोटिवेशन लाइन रखा है कि इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं, खुद के ऊपर बिलीव है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एनीथिंग इज पॉसिबल। जिसके पैर नहीं है वो पूरा माउंटेन चढ़ गया, तो आपके पास तो सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हो। एक ह्यूमन जो होता है ना, उसके पास अगर इच्छा शक्ति जो होता है वो अगर मतलब जागृत हो गया ना, कुछ भी कर सकते हो। बस आप डेडिकेटेड होना चाहिए और आपका जो कंसिस्टेंसी है वो रहना चाहिए। ठीक है, और डेस्परेट होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। ठीक है, खुद पे भरोसा होना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कि हम देखते हैं कि लोगों को देखते हैं कि वो मुझे बिलीव करता है कि नहीं, ये मुझे प्यार करता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, खुद को भरोसा रखो, खुद के ऊपर खुद को बिलीव करो। ठीक है, खुद को प्यार करो और प्रिपरेशंस पे फोकस करो। बहुत लोग अभी भी बहुत लोग मतलब सोच रहे हैं कि क्या करें। मुझे भी अभी भी मुझे मिलता है बहुत लोगों को, हैं मुझसे मिलता है कि सर क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो अभी भी ये सोचने का वक्त नहीं है क्या करें क्या नहीं करें। अभी भी तुम प्रिपरेशन्स अगर ढंग से नहीं कर रहे हो तो क्या फ़ायदा फिर। और जो भी कर रहे हो, जो जिसने भी अभी तक प्रिपरेशन्स कर रहे थे, ठीक है, अभी मान लो 2 महीना है, इसमें अगर अच्छे से नहीं किया तो जितना टाइम इस पे दिया था सब बेकार हो जाएगा। तो ये जो 2 मंथ है बहुत क्रूशियल मंथ है, बहुत मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हो ना, गोल्डन टाइम आप कह सकते हो। ठीक है, इस 2 मंथ को इतना इतना एफिशिएंटली दो, इतना एफिशिएंटली दो ताकि एग्जाम्स में मतलब आप टॉप में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 महीना है ये डिसाइड करेगा आपका एग्जाम्स का, आपका प्रिपरेशंस का बेस, आपका प्रिपरेशंस क्या है। ठीक है, उसके लिए आप जितना हो सके मॉक टेस्ट दें। ठीक है, और जिसको भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी भी हम लोगों का जो एडीआरई बूस्टर कोर्स है, एडीआरई बूस्टर कोर्स कोर्स वो भी चल रहा है, 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से जो भी मेरे साथ रहा है इतना इतना दिनों से, आप लोग पूछ सकते हैं। वो मतलब कहते हैं सर हमें आप इतना जबरदस्ती इतना कुछ कराया, हम मतलब हम सोच रहे थे कि बेकार है, लेकिन यही काम आएगा। बहुत लोग नहीं कराते, सब एमसीक्यू में चला जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग थोड़ा बहुत करा के फिर कोर्स कंप्लीट करा देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा अच्छे से अगर तुम नींव रख कर करोगे सब कुछ, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिसको भी अगर हमें ज्वाइन करना है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर बूस्टर कोर्स। ठीक है, बूस्टर कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो और मॉक टेस्ट वगैरह सारा यहाँ पे रहेगा और 2 मंथ का ऐसा गाइडेंस आपको मिलेगा ना, आप सोचोगे भी नहीं। ठीक है, तो जो भी देख रहे हो आप अगर इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकते हो, और अच्छा लगे तो इस सेशन को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो भी सोच रहे कि क्या करें। ठीक है, हमें ज्वाइन करें और देखिए आप ज्वाइन करके फिर आपका। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो बताओ कौन से स्टेट के पास सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब जो हम लोगों का पेनिनसुलर पार्ट है, ये रहा हम लोगों का पेनिनसुलर पार्ट। ठीक है, तो आप लोग जो है वो बताना कि कितना मतलब कितना स्टेट्स
शेयर करता है कोस्ट लाइन से, कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये इसका आंसर होगा गुजरात। ये जो गुजरात है, गुजरात के पास सबसे ज़्यादा कोस्ट है जो सागर से जुड़ा हुआ है पानी से, ठीक है। तो इसका आंसर गुजरात होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे गुजरात है, मैं बता देता हूँ, गुजरात, फिर गुजरात के बाद महाराष्ट्र, ठीक है। इधर गोवा आ गया, गोवा मुंबई, ठीक है। यहाँ पे आ गया तुम्हारा केरला, तमिलनाडु, और बाकी इधर है आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा है, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल, और एक नाम था इधर कर्नाटका, या फिर कुछ था, दिमाग भूल गया, ठीक है, देख लेना एक बार। तो सबका नाम याद रखना, सबसे ज़्यादा कोस्टल किसके पास है, गुजरात के पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट, कब नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, बताना फटाफट। और आप लोग क्या करें, जितना आप एमसी के मॉक टेस्ट देंगे ना, तो जितना आप हो सके एमसीक्यू जो है वो ओएमआर शीट में फिल करें, ठीक है। गूगल में मिल जाता है, आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके लीजिए, ताकि आप लोगों को वो प्रैक्टिस रह जाए, ठीक है। बताओ क्या होगा, 25 जनवरी, ठीक है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड ब्रोकन विंग्स आर रिटन बाय, ये दो किताबें हैं, किसने लिखा था, गोल्डन गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड ब्रोकन विंग्स किसने लिखा था, बताओ फटाफट। द करेक्ट आंसर इज सरोजिनी नायडू जी, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया रामायणा रिसर्च सेंटर, ठीक है। किसने साउथ ईस्ट एशिया रामायण रिसर्च सेंटर फाउंड किया था, बताओ फटाफट। और आप लोगों को बताना है कि अभी तो ये बता देंगे किसने इस सेंटर को फाउंडेशन फाउंड फाउंड फाउंडेशन से फाउंडर है, ठीक है, फाउंडेशन रखा था। तो कमेंट सेक्शन में ये आप लोगों को बताना है कि ये जो सेंटर है ये कहाँ पे है। करेक्ट आंसर इज लेट डॉक्टर मामुनी रायसम गोस्वामी जी, ठीक है। इन्होंने इसका, ये फाउंडर है इनका, ठीक है। आपको बताना है ये जो है सेंटर जो है ये कहाँ पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज नोन बाय द नेम देश रत्न, किसको देश रत्न के नाम से जाना जाता है, बताओ। बहुत लोगों का बहुत अलग अलग नाम है, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, उसको बापू, उनको बापूजी भी कहते थे, ठीक है। तो हर एक का नाम याद रखना, निक नेम याद रखना, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी टाइटल दिया था किसने, ठीक है, मुझे तो पता है, ठीक है, आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है जो पार्लियामेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो मैंने तो आपको आंसर बता ही दिया, अब अभी तो आप लोगों को पता ही होगा। करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग किसका रिप्लेसमेंट में आया था, प्लानिंग कमीशन के। ये जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, वो पार्लियामेंट के द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को बनाया, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया, लेकिन फाइनेंस कमीशन आर्टिकल कितना, 2 8, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 3 24, और इंटरस्टेट काउंसिल का आर्टिकल अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, आप लोग बता देना कितना है, ठीक है। तो ये जो है सारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, सिर्फ नीति आयोग, नीति आयोग का फुल मीनिंग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल मीनिंग याद रखना। और ये कब आया था, 2015 में आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चक्रफेटी बुरुंजी वॉज रिटन बाय, किसने इस बुरुंजी को लिखा गया था, लिखा था ठीक है, चक्रफेटी बुरुंजी, कविराज चक्रवर्ती, अतन बोरगोहाँ, नुमली बोरगोहाँ एंड विद्या बागीश, किसने लिखा था बताओ फटाफट। द करेक्ट आंसर इज, किसने लिखा था, नुमली बोरगोहाँ, ठीक है चलो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ असम साहित्य सभा इज सिचुएटेड कहाँ पे है, और आप लोगों को बताना है असम साहित्य सभा का अभी जो प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जोरहाट में है ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामनवमी द फर्स्ट मॉडर्न असामीज प्ले वॉज रिटन बाय, ये जो रामनवमी है ये प्ले है एक, और इसको लिखा गया था, किसने लिखा था, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, अतुल चंद्र हजारिका, चंद्र कुमार अग्रवाला, गुणाभिराम बरुआ, किसने लिखा था बताओ। नहीं पता, फटाफट बताओ। आप लोगों को और एक काम करना है, जो आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ठीक है, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका एक नोट बना लेना, ताकि आपको एग्जाम में एंड में जाके आप लोगों को हेल्प हो जाए ठीक है, तो आप लोग रिवाइज कर सकते हो। चलो बताओ कौन होगा इसका, द करेक्ट आंसर इज डी, गुणाभिराम बरुआ ठीक है। चलो हु वाज द फर्स्ट असामिस टू विन द सरस्वती अवार्ड, ये जो सरस्वती अवार्ड है कौन पहला असामीज जो है जीता था, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, लंबोदर बोरा, रामाकांत बरकतेन, लक्ष्मीनंदन बोरा, किसने लिखा था, द करेक्ट आंसर इज डी, लक्ष्मीनंदन बोरा ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द ड्रामा कन्यार कीर्तन, किसने लिखा था, कौन ऑथर है इस ड्रामा का, कन्नर कीर्तन, एडीपी आनंदराम डेकेल फुकन, नहीं गुणाभिराम बरुआ, नहीं हेमचंद्र बरुआ, नहीं पद्मनाथ गोहे बरुआ, कौन है फिर बताओ फटाफट। द करेक्ट आंसर इज सी, हेमचंद्र बरुआ ठीक है। चल नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट पीक बताना है, अभी मत बताना कि इस ऑप्शन में से इंडिया का तो हाईएस्ट पीक है ही नहीं, इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है, कंचनजंगा, ठीक है कहाँ पे ये, सिक्किम में, लेकिन इस ऑप्शन में से इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है, इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा इंडिया का हाईएस्ट पीक है, हमेशा चीजें दिमाग लगा कर सोचना ठीक है। आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई होता है कि अरे इंडिया का हाईएस्ट पीक तो ये है ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, लेकिन आप लोगों को ढूंढने के लिए दिया है इन चारों ऑप्शन में से इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, द करेक्ट आंसर इज गोडविन ऑस्टिन ठीक है। चलो और कमेंट सेक्शन में बताना आसाम का हाईएस्ट पीक कौन सा है, हाईएस्ट पीक ऑफ आसाम क्या है बताना कमेंट सेक्शन में, ये मैंने सॉल्व आप लोगों को बताया भी था ठीक है। चलो द बर्थडे ऑफ विच पर्सनैलिटी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को किन का जन्मदिन रूप हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है, किन का बर्थडे है 14 अप्रैल को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, किन का बर्थडे है 14 अप्रैल को, बताओ फिर। द लास्ट ऑप्शन इज बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ठीक है, कौन है बी आर अम्बेडकर जी, किसको किसको नहीं पता बी आर अम्बेडकर जी कौन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज, ये जो हिंद स्वराज है बुक ये किसने लिखा था ठीक, बहुत मतलब इजी सा ऑप्शन सही है, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, एम जे रानाडे, किसने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने,
महात्मा गांधी जी ने लिखा था हिंदी स्वराज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन नेशनल वाज ऑनर्ड विद भारत रत्न। कौन फॉरेनर्स है जिनको भारत रत्न, भारत रत्न क्या है, हम लोगों का इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, सबसे ऊपर भारत रत्न होता है, ठीक है, पहले भारत रत्न होता है फिर पद्म अवार्ड होता है, भारत रत्न फिर पद्म अवार्ड, ठीक है, पद्म अवार्ड में पहले पद्म विभूषण फिर भूषण फिर पद्मश्री, ठीक है, ये चीज़ों को याद रखना, ठीक है। तो क्या होगा, कौन फॉरेनर्स थे जिनको इंडिया से बाहर, इन नॉन इंडियन, जिसको भारत रत्न मिला था, नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, कौन होगा, एडोल्फ हिटलर, बोरिस येल्सिन, कौन होगा, नेल्सन मंडेला जी को मिला था, और एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो तो आशा करता हूँ सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो, हमें इस 2 महीना पूरा अच्छे से हम एक अच्छा मतलब टाइम स्पेंड करेंगे एग्ज़ाम्स के ओरिएंटेशन से, और जो भी अभी भी प्रिपरेशंस है मेरे साथ वो मतलब कुछ अलग ही उनका लेवल है, ठीक है। तो ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चलो फिर रखते हैं, फिर मिलते हैं कल, कल मतलब कल, और इसी सेशन में हम अभी एमसीक्यू ज़्यादा करेंगे, और जो भी हम लोग बेसिक कर रहे थे उसको थोड़ा सा हम साइड करेंगे, क्योंकि अभी एमसीक्यू जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना मतलब अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन एंड वाचिंग माय वीडियोस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सेशन को शेयर कर देना, ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से रहो, ठीक है।